Hey, what's up guys? Once again, welcome back to MB Techno. So guys, आज की वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ समथिंग कुछ स्पेशल है. स्पेशल लाइक अब मेरा बीकॉम तो हो गया, अभी करूँ क्या? LLB, MBA, GDC या कुछ समथिंग CA करूँ या CMA करूँ. बहुत सारे ऑप्शन है. सो हमें चूज करना है कि बेस्ट क्या है, राइट? एंड किसके हिसाब से क्या अच्छा होगा. ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा. एक लोग सोचते हैं यार बीकॉम हो गया, राइट, जॉब करना है. बीकॉम के लोग मोस्टली जॉब ही करते हैं, है ना? तो जॉब एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं. तो अभी ये तो रहा जॉब का, बट यार जॉब करते करते तो एक एज हो जाएगी, कुछ तो साथ में चाहिए ना, राइट? नहीं, यहाँ पर अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और जॉब करना है, तो मेरे हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, ऐसा अगर आप मुंबई में रहते हैं या कोई भी दिल्ली में रहते हो, तो दो ऑप्शन है. आप M.Com भी साथ में चालू कर दो, LLB भी साथ में चालू कर दो, जॉब के साथ में ड्यूल डिग्री करो. ऑप्शन है, अगर मुंबई में रहते हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको ड्यूल डिग्री करना है तो. ठीक है, मुंबई सिटी इस चीज़ को अलाव करता है ड्यूल डिग्री के लिए. ठीक है, एंड लाइक सोचते हैं कभी कुछ लोग बोलते हैं सर मैं सीए करूँ. अरे यार, बीकॉम के बाद सीए करना, ठीक है, अच्छी बात है. क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, या सोचते हैं यार घर की कमाई, घर में कुछ कमाई नहीं है बट तो भी अच्छा खासा चाहिए, सीए करना है. अरे ठीक है यार, बट आपको पता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, एंड जो पासिंग रिजल्ट परसेंटेज होता है वो ऑलमोस्ट 10%, 8%, ये कुछ ज़्यादा बकवास है. अगर आप अदर कंट्रीज के रिजल्ट देखोगे तो 40%, 50% रिजल्ट होते हैं. ठीक है, सो सीए मेरे ख्याल से अगर आपको करना ही है तो 12th के बाद करना चालू कर दो. ठीक है, CPT, फिर IPC, NCA, तभी अच्छा रहेगा. जो पढ़ते पढ़ते आप कर भी लोगे, ठीक है. फिर नेक्स्ट बचा MBA. MBA किसको करना चाहिए, लाइक और कहाँ से करना चाहिए? MBA के लिए लाइक आई पर्सनली माई सजेस्ट टू डू फ्रॉम IIMs, कहीं या अदर कंट्रीज से करो, लाइक जर्मनी हो गया, US वगैरह हो गया. इंडिया से जितने भी MBAs होते हैं या JBIMs वगैरह होते हैं या NMIS भी होता है, अच्छा होता है. सो जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा मिलता हो. आप सोचते हैं यार सर MBA कर लूँ, MBA कर लूँ, बट कुछ रियली प्लेसमेंट मिलती है? कुछ नहीं मिलती, बहुत सेल्स के जॉब में घुसा देते हैं आपको. ठीक है, ये फैक्ट है. अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, और हाँ एक सबसे बड़ी बात, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और स्टिल यू गाइज आर यू वांट टू डू दैट MBA एंड विद वर्किंग, आप जॉब के साथ में MBA कर रहे हो, तो एक एक्सपोजर मिल जाता है कि हाँ भाई MBA तो मतलब प्रमोशन हो जाते हैं. तो यहाँ पर MBA करने का ऑप्शन है, क्योंकि आप जॉब के साथ में फीस भी कर सकते हो, कमा भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो इट्स एडवांटेजेस, राइट? सो अब मेरे मेरा क्वेश्चन ये, लोगों का क्वेश्चन ये है कि लाइक बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए. तीन ऑप्शन मैंने दिए. अगर आप बीकॉम के पहले हो तो लाइक सीए स्टार्ट कर दो, या CFA वगैरह तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा इस एज में, क्योंकि इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस लगती है. लोग घुसते हैं सीए करने के बाद, लोग CFA करते हैं. ठीक है, सो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या बचा था बस, या तो आप CFA चालू कर दो. CFA आपको करना है तो बचपन से करना पड़ेगा, लाइक ऑलमोस्ट 12th से चालू कर दो, या तो उसकी प्रिपरेशन, मतलब इफ़ यू वांट टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि किसी को भी फेल होना पसंद नहीं है, राइट? सो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या सिंपली, अगर बीकॉम हुआ है, बीकॉम के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है. अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं पहले M.Com के साथ में LLB खत्म करूंगा. सर LLB करने के बाद क्या, M.Com करने के बाद क्या, LLM के लिए उसको. अब देखो LLM होने के बाद इतने करियर ऑप्शन खुल जाते हैं ना कि लाइक यू कैन नॉट बी इमेजिन के लिए कितना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाता है. ठीक है सर, कुछ लोग बोलते हैं कि CS कर लेना चाहिए. CS भी करो, बट कैसा ना, जिसको थियोरेटिकल थोड़ा ज़्यादा पढ़ने में मजा आता है, लॉ का बुक्स खोलने में मजा आता है, सो वो भी CS कर सकते हैं. ठीक है, सो फाइनल कंक्लूजन इज वॉट, ये सर BCom के बाद हमें एक्चुअली करना क्या है. मैं अभी भी वही बता रहा हूँ कि अच्छी पोजिशन है घर में, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है, MBA करो साथ में, बहुत कुछ कर सकते हो. ठीक है, अगर घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है बट आपको कमाना है, ठीक है, और पढ़ना भी है, तो एटलीस्ट M.Com चालू करो, LLB साथ में चालू करो. ठीक है, ये होने के बाद LLM करो, फिर काफ़ी है PhD वगैरह कर लो. अगर आप PhD में नेट क्लियर करते हो ना, तो आपको सिर्फ कुछ बोलते ना रिसर्च करने के 31,000 रुपीज़ मिलते हैं रिसर्च करने के, एंड इफ़ यू गेट GRE क्लियर इन नेट. ठीक है, सो इतना कुछ डिफरेंस वगैरह होता है, राइट? अभी बच्चा जिसके पास पैसे हैं उनको क्या करना चाहिए कम के बाद. जिसके पास पैसे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर अच्छा खासा अगर MBA ही करना है,
अच्छा पैसा कमाना है तगड़ा तो MBA फ्रॉम IIM वगैरह से करो, और किधर से मत करना क्योंकि सब लूटने के लिए बैठे हुए हैं। और JBM से करोगे तो वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे मिलते हैं, वहाँ पे भी है ठीक है। और बाकी मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने मेरे ऑलमोस्ट मोर देन 100 फ्रेंड्स MBA है, बट स्टिल दे आर यू नो सम ऑफ देम वाज वर्किंग एंड कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं अभी भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कमा रहे हैं। सो जो पोजीशन और जो पैसे के लिए जो कमाने के लिए वो गए थे MBA करने वो उनको नहीं मिल पाई है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने खुद ने भी किया हुआ है, बट मैं तो ऑलरेडी इन वर्किंग था तो मुझे प्रमोशन मिल गया। बस एक ही वही बात है। अगर अब करना ही है तो इट्स योर चॉइस। अगर फिर भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट ऑन माई वीडियो। ओके थैंक्स, कीप वॉचिंग।